धरती पर हर युग में भारत की पावन धरती पर ऋषि मुनि संत महात्मा तथा अवतारी महापुरुषों का जन्म होता रहा है। इन महापुरुषों ने समाज सुधारक का कार्य करते हुए संसार के लोगों में भक्ति भाव बढ़ाने, श्रद्धा और विश्वास जगाने का काम किया है। ईश्वर में इनके अटूट भक्ति भाव को देखकर लोगों के अंदर भी आस्था और श्रद्धा जागृत होती है। ऐसे ही एक महापुरुष संत भारत की पावन धरती पर मौजूद हैं। दोस्तों, इन तीनों युगों की बात की जाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग की, तो इन युगों में एक ही अधिकारी संत होता है और वह अपने समय में ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं। लेकिन कलयुग में आते आते इन सत्य आते धार्मिक अनुष्ठानों की कमी होती चली। अब तो सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर लूट खसूट चल रही है। धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर लोगों से दान अर्थात चंदा लिया जाता है और उस दान का नकली संतों महंतों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, जिससे दान देने वाले को वो लाभ नहीं मिल पाते जो अधिकारी संत के द्वारा सत्य धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा मिलता है। अब बात आती है कि क्या ऐसा महापुरुष अधिकारी संत इस कलयुग में धरती पर मौजूद है? जी हाँ, वह पूर्ण परमात्मा का अधिकारी संत भारत की इस पावन धरती पर मौजूद है और उस महापुरुष का नाम संत रामपाल जी महाराज जी है। संत रामपाल जी महाराज की धार्मिक अनुष्ठान की बात की जाए तो समय समय पर ऐसे धार्मिक अनुष्ठान सदा वर्त चलने वाले धार्मिक भंडारे का आयोजन करते रहते हैं, जैसे कि राम जन्मभूमि अयोध्या में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा महाविशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, वो भी पूरे एक महीने चलेगा, जहां पर सब कुछ निशुल्क खाने को मिलता है और सभी खाद्य सामग्री शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। इस बात की पुष्टि करने के लिए क्या वहां पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने विशाल भंडारे का आयोजन किया है उसमें सब कुछ फ्री में मिलता है या नहीं, इस बात को प्रत्यक्ष करने के लिए आपको लेकर चलते हैं राम जन्मभूमि अयोध्या में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं से जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के विशाल भंडारे के बारे में। सर, आप अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे अयोध्या आने वाले श्री राम भक्तों के लिए भंडारा किया गया है, तो आपको यहाँ पे जो भंडारे की व्यवस्था है वो कैसी लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा भोजन है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छे राइस है, दाल भी बहुत अच्छी है और काफी सारी वेराइटीज है, सलाद भी है। सर, एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे जो है भोजन भंडारे की व्यवस्था की गई है, इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के कार्य लगातार करते रहते हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह होना या फिर अगर उनका कहें कि नशा मुक्त भारत अभियान चलाना है, तो इस तरह के अनेकों समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज करते रहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल महाराज जी जो है ये एक बहुत अच्छे समाज सेवी है, बहुत बड़े संत हैं, मैंने इनकी बुक भी पढ़ी है एक बार और मैंने इनके सत्संग भी देखे हैं और जो इनकी थ्योरी है जैसे ये हमें गाइड करते हैं बेस्ट है, मैं खुद पर्सनली इन्हें फॉलो करता हूँ, ट्विटर पे भी फॉलो करता हूँ। रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं, तो उन लोगों का आप लोगों के साथ कैसा कोऑपरेशन है, उनका व्यवहार कैसा रहा आपके साथ? बहुत अच्छा रहा, सफर भी हम लोग का बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? जैसे हम अक्सर देखते हैं कि लाखों लोगों के भोजन भंडारे की व्यवस्था करते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अव्यवस्था फैल जाती है, तो यहाँ पे जब आप आए तो यहाँ पे आपको व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं देखी नहीं थी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। चित्रकूट में आकर के मैंने भोजन लिया, प्रसाद लिया और यहाँ का जो व्यवस्था, यहाँ की जो व्यवस्था है इतनी अच्छी, इतनी सुदृढ़, इतना स्वादिष्ट भोजन, पूरा माहौल राममय है, जो यात्री आ रहे हैं वो सराह करके ही जा रहे हैं, बहुत सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छी व्यवस्था, जो सेवक हैं वो बहुत ही
आदर से सम्मान से सबकी सेवा में लगे हैं। ईश्वर जो हमारे जैसे गुरु रामपाल जी हैं, जैसे उनका उद्देश्य है नशा मुक्त भारत, आपके जितने सेवक हैं, संस्था के जितने सेवक हैं, कोई भी नशा नहीं करते, दहेज प्रथा मुक्त उनका उद्देश्य है, तो कोई भी दहेज जो लेना देना जो है वो आपके संस्था में जो सम्मिलित सेवक हैं वो इससे दूर है। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपकी संस्था और आगे जाए और ऐसा ही सेवा भाव बना रहे। हम एक महीने तकरीबन हो गए लगे हुए हम लोगों को, और ऐसी व्यवस्था हम प्रथम बार देख रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ का भोजन जो है भंडारे का इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा, इतना भाव भोजन से ऐसा इतना भाव से खिलाते हैं सभी जो सेवक हैं, सभी लोग जो भंडारे में जो भी आयोजक हैं, सभी इतने भाव से भोजन कराते हैं, प्रसाद खिलाते हैं इतने प्यार से कि कुछ उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। भंडारे का हमने प्रसाद ग्रहण किया, हमको जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है ही, उसमें कोई कहीं से शंका नहीं है, लेकिन जो उसमें खिलाने वाले का भाव है उसको वो प्रसाद को दुगना स्वादिष्ट बना दिया। कहते हैं कि रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का, कि आदमी अगर भक्त एक रोटी एक पूरी खाना चाहता है तो वो दो और तीन खा जाता है उस भाव में। ये हमको सबसे सुंदर लगा, सबसे अच्छा लगा कि कितनी भी भीड़ आ जाए किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मैं जब भी आता हूँ मुझसे बोलते रहते हैं कि जितने भी लोग हों आप भेजो, कोई चिंता की विषय नहीं है, 24 घंटे हम खिलाएंगे, 24 घंटे हम चाय पिलाएंगे। ये भाव देखकर मैंने इतना बड़ा भाव अपने जीवन में पहली बार देखा है। हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। देखिए, आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपए से, 30 रुपए, 50 रुपए से कम नहीं मिलेगी। यहाँ पर निरंतर चल रहा है तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। देखिए, यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है, और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती भी नज़र आ रही है। भंडारा अमृत था, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं, दुनिया के अंदर विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। बहन जी, एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है सिर्फ भंडारे के पैसे नहीं लिए जा रहे, बाकी हलवा राम या चाय राम अगर वो दे रहे हैं तो उसका पैसा वसूल कर रहे हैं? शायद उनको लग रहा हो संत रामपाल जी को कि इसके माध्यम से तो हम नहीं ले पा रहे पैसे, थोड़ा बैक साइड से इस तरीके से हम जो चाय और हलवा के राम के पैसे लिए जा रहे हों, कोई ऐसा तो नहीं? मैंने तो नहीं दिए हैं, अब किसी ने भी नहीं दिए हैं। चाय राम जी तो बहुत सारे लोग पी रहे हैं, दो दो तीन तीन कप पी रहे हैं, मैंने तो एक रुपया नहीं देखा। टेस्ट कैसा है चाय का? बहुत प्यारा है, जैसे घर पे मैं चाय बहुत पसंद है मुझे, और मुझे लगता है मेरी एज के जितने लोग हैं सबको चाय बहुत पसंद है, तो बहुत प्यारी चाय बनी, घर जैसी चाय है।
मैं एक बार और पीऊंगी जाके। मुझसे पैसे नहीं लिए गए हैं, तो मैं सिर्फ लास्ट में इतना बोलना चाहूंगी कि दूसरों की बातें सुन के किसी को भी जज ना करें, कृपया कर मूर्ख ना बने, आए देखें समझें और फिर ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जो आप इतने बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है ये, और बहुत अच्छी बात है उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव हुआ है। और खाना बहुत अच्छा दिया जा रहा है, बहुत सादा खाना है और बहुत टेस्टी खाना है। इसे ऐसा तो नहीं है कि भाई बेमन से दिया जा रहा है? नहीं, ट्रीटमेंट तो एज सच किसी भी सुपरवाइज कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, किसी का भी गंदा नहीं है। सब लोग बहुत राम राम करके ही सब बात कर रहे हैं, राम राम करके ही सारे व्यंजन परोस रहे हैं, दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपको उनके पास जाने की ज़रूरत है सहायता के लिए। अगर वो स्पॉट भी कर रहे हैं कि इस पर्सन को डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो खुद ही रीच आउट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से व्यवहार है। जैसे कि जितनी व्यवस्था साफ सफाई के साथ और जितना स्वादिष्ट भोजन जो ये अपने सतगुरु संस्था की ओर से चल रहा है, जो बैनर लगा हुआ है, वास्तव में ये इन्हें मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये इस तरह राम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। जो उनके जो है रामपाल जी के जो अनुयायी यहाँ पर कर रहे थे, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है या राम भक्तों के साथ, और खाने की व्यवस्था भी बढ़िया है। तो मैं समझता हूँ कि जब उनके अनुयायी हैं तो महाराज भी बहुत अच्छे ही होंगे। बहन जी, ये भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सिस्टम है, हम जब चाहें खाना खा सकते हैं, कोई भी भूखा नहीं रहता है, जब चाहें चाय पियो, जब चाहें खाना खाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। कोई आपसे पैसा तो नहीं लिया जा रहा? नहीं। ऐसा तो नहीं है कि चावल और दाल फ्री हो और हलवा के पैसे लिए जा रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। खाने में क्या क्या दिया जा रहा है? वो भात है, दाल, ये चना मसाला, पुलाव, गाजर है, ये पावा है, बहुत अच्छा। एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दर्शकों, मैं बता दूं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में चलाए जा रहे इस भंडारे में भोजन करने के लिए आए हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे महाविशाल भंडारे की। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ऐसे शुभ समागम और महाविशाल भंडारे समय समय पर होते रहते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों की बात करें तो वो निरंतर चलते ही रहते हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।